नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बीजेपी विधायक शरद कोल ने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ खोला मोर्चा। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के ब्योहारी विधानसभा क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन को लेकर लगातार शिकायतों के बाद कार्यवाही न होने से नाराज भाजपा के बहुचर्चित ब्योहारी विधायक शरद कोल ने अब इस मामले में मोर्चा खोल दिया है। शरद कोल वही विधायक हैं जिन्होंने कांग्रेस के शासनकाल में विधानसभा में कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करके चर्चाओं में आए थे। अब फिर से एक बार शरद कोल चर्चा में हैं। विधायक ने खनिज विभाग को पत्र लिखते हुए यह स्पष्ट किया है कि उनके क्षेत्र में वंशिका ग्रुप के ठेकेदार नियम विरुद्ध लगातार अवैध रेत का उत्खनन व भंडारण कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ स्थानीय स्तर पर आक्रोश है बल्कि प्रकृति को भी लगातार नुकसान पहुँच रहा है। विधायक शरद कोल ने प्रशासन के स्थानीय स्तर पर तैनात अधिकारियों पर अवैध उत्खनन को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया है। मानसून सत्र में रेत पर रोक लगने के बाद भी रेत का अवैध तरीके से उत्खनन व भंडारण कर परिवहन किए जाने का आरोप लगाते हुए विधायक जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से कई बार शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके जिला प्रशासन उनकी एक नहीं सुन रहा, जिससे उन्होंने नाराजगी जताई है। विधायक शरद कोल ने कलेक्टर को लिखित शिकायत कर रेत ठेकेदार पर मनमाने तरीके से काम करने का आरोप लगाया है। साथ ही यह भी कहा है कि रेत ठेकेदार की लगातार कार्यप्रणाली से पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। लगातार उत्खनन से सड़कें खराब हो रही हैं, प्रतिबंधन के बावजूद ठेकेदार नियमों को ताक पर लगाकर रख रहे हैं एवं उत्खनन कर रहे हैं। प्रशासन इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहा। विधायक ने कहा कि यदि प्रशासन समय रहते इस पर ध्यान नहीं देता है और अंकुश नहीं लगाता है तो वह स्थानीय स्तर पर इस दिशा में कार्यवाही करने पर विवश होंगे। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार होते हुए भी अधिकारी हमारी नहीं सुनते। वहीं इस मामले को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा व भाजपा विधायक शरद को आड़े हाथों लेते हुए प्रदेश में भाजपा की सरकार होते हुए भाजपा विधायक द्वारा विरोध करते हुए अधिकारियों द्वारा उनकी ना ही सुनने पर कई सवाल खड़े किए हैं। इस पूरे मामले में कलेक्टर शहडोल सत्येंद्र सिंह ने मीडिया से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, तो वहीं खनिज अधिकारी ने शिकायत मिलने पर कार्यवाही किए जाने की बात कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब विधायक शरद ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हो। पूर्व में भी कई बार इसी रेत का अवैध उत्खनन को लेकर विरोध करते हुए वह सड़क पर उतर आए थे, तो वहीं अभी हाल ही में सड़क पर गड्ढों को लेकर अपनी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सड़क पर उतर उन्होंने खुद गड्ढा भरा था। इससे ज्यादा की जानकारी के लिए आइए देखते हैं शहडोल से हमारे रिपोर्टर अविनाश शर्मा की यह रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। अवैध उत्खनन के मामले को लेकर हम जिले के कलेक्टर महोदय को पत्र देने आए थे और हमने उनसे गुजारिश की है कि समय रहते निरंतर जिस तरह हमारे यहाँ अवैध उत्खनन का कारोबार हो रहा है, अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन और अवैध भंडारण के रूप में जिस तरह से जन शिकायत आ रही है, उस विषय को पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए हमने कलेक्टर महोदय को पत्र के माध्यम से रोकने के लिए उनको बोला है और इस पर प्रतिबंध जल्द से जल्द लगाएं। अन्यत्र हमारे क्षेत्र की जो जनमानस की समस्या है, इस बात को लेकर पूर्व में भी मैं इस विषय पर पब्लिक को लेकर मुझे ज्ञापन देना पड़ा है। अगर रूलिंग पार्टी में रहकर अधिकारी हमारी नहीं सुनते तो इस बात की शिकायत हम माननीय मुख्यमंत्री से भी करेंगे, जिससे कि इतने बड़े तबके में अगर ये कारोबार हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें बड़े अधिकारियों की भी मिलीभगत है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार के विधायक मांग कर रहे हैं कि अवैध उत्खनन हो रहा है और इस पर रोक लगाई। ये प्रदेश के लिए, यहाँ के पर्यावरण के लिए, नदियों के लिए बहुत संकट का घड़ी, कोरोना का घड़ी तो चल ही रहा है, पूरा रात अवैध उत्खनन होता है। इसमें कलेक्टर महोदय द्वारा टीम गठित किया गया है जिसमें एसडीएम, एसडीओपी, फॉरेस्ट माइनिंग की टीम सभी को दिया गया है, सतत निगरानी की जा रही है। हमने दो पोकलेन मशीन, तीन जेसीबी अभी तक हमने जब्त की है और 6 ट्रैक्टर, उसके बाद 5 हाइवा और हमने अभी जब्त की है। संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। जब जब भी हमको शिकायत प्राप्त हो रही है
हम कार्रवाई कर रहे हैं। सत्ताधारी विधायक को इसके लिए विरोध करना पड़ा कि उसकी रेत उत्खनन हो रहा है, उसने आरोप भी लगाया। नहीं, उनका कहना है कि जिले में जो नालियों नदियों से उत्खनन हो रहा है उसमें प्रतिबंध लगाया जाए। तो क्या हो रहा, क्या जैसे वो आरोप लगा रहे हैं? जो भी हमने अभी तक हमको शिकायत मिली है, हमने उसमें मशीनें जब्त की है, जेसीबी जब्त की है, हाईवे जब्त हुई है, FIR भी हुए हैं। अभी तक हमारे यहाँ करीबन 30-35 FIR कर चुके हैं हम लोग।